दिवाली जाती सबको यही लगने लग जाता है कि पुराने दियों का क्या करें और इन बातों का क्या करें हम। तो दोस्तों, पुराने दियों को रियूज करने के इतने सारे आइडियाज आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, जिनको देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। आपके घर के और किचन के बहुत सारे काम ये करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने दिवाली के बचे हुए जो दिए होते हैं जले हुए, वो मैंने ले लिए हैं और इनकी बातें मैं इकट्ठा कर रही हूँ। ध्यान रखें दोस्तों, बातियों को आपने बिल्कुल नहीं फेंकना है, दियों से भी ज़्यादा काम की होती हैं ये बातियाँ। कैसे इनको यूज करना है ये आगे मैं आपको वीडियो में शेयर करने ही जा रही हूँ। और देखिए, ये जो दिए हैं हमारे, इस तरीके के जो डिजाइनर दिए होते हैं, इनको भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं बाद में। तो दोस्तों, अभी दिवाली के पटाखे पटक रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि दिवाली अभी भी धूमधाम से मनाई जा रही है। अब यहाँ पर मैंने सारी बातियाँ निकाल करके इकट्ठा कर ली हैं और मैंने एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी इन दियों में डाल देना है। ये देखिए, ध्यान इतना रहे कि जो पानी है दियों के ऊपर तक आना चाहिए। हाँ दोस्तों, अब हमने क्या किया है, इसमें हमें डाल देना है खाने वाला मीठा सोडा, क्योंकि मीठा सोडा भी हमारे किचन में इजीली मिल ही जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके बाद हमें डाल देना है सर्फ। शैम्पू आपके पास जो भी है, डिश वॉश है, वो ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सर्फ डाला, क्योंकि सर्फ जो बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब ये जो दिए हैं एकदम गर्म पानी में डिप हैं, और इनको थोड़ा सा हिला डुला दीजिए, और इनको आपको रेस्ट करने के लिए थोड़ी सी देर आपने छोड़ देना है। तो मैं इनको कम से कम 10 मिनट छोड़ दी हूँ। अब देखिए दोस्तों, इनमें बिल्कुल भी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इनकी जो चिकनाई थी ऑयल की, वो सब अपने आप ही ख़त्म हो गई है। अब आपने करना क्या है, थोड़ा सा आप इसमें हाथ घुमा दीजिए, अगर आपको लगे कि चिकनाई वगैरह दिखाई दे रही है, वैसे तो चिकनाई नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इनको क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ सुथरे पानी में हम इनको अच्छे से धो लेंगे। तो ये दिए एक ऐसी, मतलब कि ये जो दिए होते हैं ना हमारे, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। बहुत सारे आइडियाज आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ, आप देखते रहिएगा। यहाँ पर ये जो दिए हैं मैंने सर्फ़ के पानी से निकाल लिए हैं, और ये अच्छे वाले पानी में मैंने धो लेने हैं। तो यहाँ पर मैं एक पानी में भी धो लेती हूँ, आपने दो तीन पानी में धोने हैं। तो मैं अभी जाऊँगी किचन में और इनको अच्छे से दो तीन पानी में और धो करके लेकर आऊँगी। ये देखिए दोस्तों, कितना गंदा पानी इनके अंदर से निकला है। तो चलिए, मैंने धो के लेके आती हूँ, मैं इन्हें धो लाई हूँ, और अब मैं क्या करूँगी, इनको मैं पोंछ करके रख देती हूँ। मेरे को वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर कपड़े से इसे पोंछ दिया है सारे दियों को। आपके पास टाइम है तो आप इन्हें धूप में रख दीजिए, फिर पंखे में रख सकते हैं। इनका पानी एकदम से ड्राई होना चाहिए। तो सारे जो दिए हैं मैंने यहाँ पर पोंछ लिए हैं, और जो इनमें थोड़ी बहुत नमी रहेगी वो अपने आप अब ईजिली सूख जाएगी। अब ये दिए आप साल भर स्टोर करके यूज कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत तरीक़ों से इन्हें यूज कर सकते हैं आप, उनमें से कुछ तरीके मैं शेयर कर देती हूँ आप सभी के साथ, और आप इन्हें किसी भी कंटेनर में भर के रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक दिया लिया है, और इसमें मैंने बाती डाल दी है। अब बाती मैं क्या करूँगी, ये जलाऊँगी। सबसे पहला जो आइडिया है हमारा, बहुत ही खास होने वाला है। मार्केट में बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें मिलती हैं, जिससे कि हमारे, मतलब कि स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और हमें पता भी नहीं होता, और हम बहुत सारे पैसे दे करके उनको खुशी खुशी खरीद के लेके आते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बना रही हूँ मैं काजल, और घर का जो काजल बनाया हुआ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, एकदम शुद्ध होता है। तो आप पुराने दियों में काजल बना के रख सकते हैं, आपको अलग से कोई भी बर्तन वगैरह लेना नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, मैंने काजल बनाने के लिए रख दिया है, और इसमें आराम से काजल हमारा बनता रहेगा। ये देखिए, आपको मैंने बहुत नज़दीक से दिखा दिया है। इस प्रोसेस से आप अपने घर में काजल तैयार कर सकते हैं इन पुराने दियों से ही। देखिए, बहुत अच्छे से तेल पिए हुए रहते हैं जो दिए होते हैं, तो जो अंदर दिया ये तेल सोख लेता है, तो वो जो हमारा काजल इसमें बनेगा ना दोस्तों, आपको अलग से, मैं तो ये कहती हूँ ना, ज़्यादा इसमें कुछ मिलाना भी नहीं पड़ेगा, जो आपका काजल है एकदम नेचुरल खुद ही बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको फिंगर पे लगा के दिखा देती हूँ। मैंने तो केवल ये एक ही मिनट छोड़ा था, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं इनको बनने के लिए छोड़ दूँ, बाद में बनता रहेगा। लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल आपके साथ आइडिया शेयर किया है, बहुत अच्छे से हमारा काजल बन गया है।
अब जो इनकी बाती है इसको देख लेते हैं, तो ये जो बातें होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। वैसे तो कहते हैं पूजा पाठ की कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उसको फेंकना ही नहीं चाहिए, हो सके तो उसको अच्छे से मतलब के पानी वानी में बहा देना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिया है कपूर, कपूर आपने ले लेना है अच्छे से। मैंने थोड़ा सा इसको कोट लिया है दरदरा सा। अब देखिए मैं इसे जला देती हूँ, और मैंने इसमें ना सामग्री डाली है, क्योंकि सामग्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वातावरण को शुद्ध करती हैं। अब ये जो बाती हैं हमारी जली हुई, ये हमारे घर की निगेटिविटी को दूर करती हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी भी बाती को ना फेंकिएगा, इस तरीके से जला करके आपने पूरे घर में इसका जो धुआं है वो दिखा देना है। जितने भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी वो इस बाती से निकलने वाले धुएं से घर से बाहर चली जाएगी। तो पूरे घर में मैं इसका धुआं दिखा देती हूँ, और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी क्योंकि मैंने इसमें सामग्री डाल दी थी। इसमें आप लौंग या फिर तेज पत्ता वगैरह डाल सकते हैं, उसको भी जला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से निगेटिविटी को दूर करने में मदद करता है। अब इसको मैं यहीं पर रखा छोड़ देती हूँ ताकि इसका जो धुआं है पूरे घर में अच्छे से फैलता रहे। अब देखिए दोस्तों, एक आइडिया और शेयर कर दे रही हूँ। यहाँ पर लिया है मैंने ये दिया, और इस दिए को मैं क्या कर रही हूँ, चूल्हे पर एकदम से गर्म करने वाली हूँ। और ये जो आइडिया है ये तो सभी को पता होगा लगभग, क्योंकि पुराने टाइम में हमारी दादी नानी सब इसी तरीके से क्या करती थी, सब्जी वगैरह जो होती थी या फिर कुछ भी चीज़ ऐसी बनाती थी खाने की, दाल वगैरह, तो उसमें तड़का लगाया करती थी। और ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, इससे सब्जी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने फ्लेम बंद कर दी थी, जीरा डाल दिया है, और फ्लेम बंद करने के बाद मैंने मिर्ची डाली है। आप चाहें तो मिर्ची को इग्नोर कर दीजिएगा, मत डालिएगा, लेकिन फ्लेम बंद होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने दही ले रखी थी, और इस दही में मैं तड़का लगा रही थी। अब देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से हमारी दही में तड़का लग चुका है। चाहे आप जो मट्ठा होता है उसको डूंघाड़ते हैं तो अच्छे से इसमें जो ना मतलब के दिए की खुशबू आएगी, और इसमें डूंगार लग जाएगा, दही हो या फिर मट्ठा हो। आई होप कि ये वाला ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। अब यहाँ पर जो ये नेक्स्ट आइडिया है ये भी बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर मैंने दिया लिया है, और मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है, चाय की पत्ती डाली है, ऊपर से चीनी डाली है, इसके ऊपर से मैंने पानी डाला, फिर तुलसी के दो पत्ते डाले। आप इलायची लौंग वगैरह जो भी पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। इसको अच्छे से उबाल आने देना है। जब इसमें उबाल आ जाए आपने इसमें दूध डाल देना है। दूध डालने के बाद इसको आपने अच्छे से कढ़ने के लिए छोड़ देना है। यकीन मानिए दोस्तों, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में आपकी कुल्हड़ वाली चाय बनके तैयार हो जाएगी, और जिसका स्वाद होता है एकदम वैसा ही होता है जैसे कुल्हड़ वाली चाय का होता है। तो एक तरीके से आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं दियो को। अब देखिए दोस्तों, हमारी चाय कितनी अच्छी आपको यहाँ पर दिख रही होगी बनी हुई। नेक्स्ट आइडिया है, यहाँ पर मैंने दिया लिया है, और दिए को मैं क्या कर रही हूँ, ग्रेट कर रही हूँ, यानी कि घिस रही हूँ। अब आप कहोगे इसे तो हम कूट सकते हैं, पीस सकते हैं, तो बिल्कुल सही बोले हो आप, लेकिन ऐसा होता है ना, जब हम ग्रेटर में इसे ग्रेट करते हैं तो जो हमारा ग्रेटर होता है ना, काफ़ी शार्प हो जाता है, क्योंकि ये मध्यम पड़ जाता है जब हम इसमें गोला वगैरह घिसते रहते हैं, तो आपका ग्रेटर भी शार्प हो जाएगा और आपका जो दिया है वो भी घिस जाएगा। बस दिए आपने भिगो के रख देने हैं ताकि वो सॉफ्ट से हो जाए थोड़े से घिसने से पहले। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने थोड़ा सा इसमें नमक लिया है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने ये जो दियो से मैंने मिट्टी बनाई थी ये मैंने ले ली है, ये देखिए। अब ये एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। इसको ना आप भर के रख लीजिएगा अपने किसी भी कंटेनर में, तो ये स्टोर करके रख सकते हैं आप, चाहे साल भर रखिए चाहे दो साल रखिए, ख़राब नहीं होता है। ज़्यादा बना के धर रहे हैं तो बड़े से कंटेनर में भर के रख लीजिए, आपकी एकदम टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही काम का होता है। इसको यूज कैसे करना है चलिए मैं बताती हूँ। तो थोड़ा सा मैं ये ले लेती हूँ,
ये देखिए, जब भी आपको यूज करना हो आप थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने विनेगर लिया है, जो काला वाला सिरका होता है वो मैंने लिया है। मेरे घर में पुराना रखा था तो मैं इसको यूज नहीं करती थी, कोई काम ही नहीं पड़ता था ऐसा इसको यूज करने वाला, तो इसको मैं ले ली हूँ। ये देखिए, अब मैंने इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर दिया है, पानी मैंने नहीं डाला है, केवल सिरका डाला है। आपके पास सफ़ेद सिरका है वो ले सकते हैं। अभी हमारा बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है, चलिए इसको यूज करते हैं। तो हमारे घरों में पूजा के बर्तन होते ही हैं, पीतल के, तांबे के, जो हम यूज करते हैं, तो बहुत जल्दी मतलब कि वे काले काले से हो जाते हैं। अब देखिए, मैंने ये सॉल्यूशन लगाया है और मैं आपको रफ करके दिखा देती हूँ इसको, थोड़ा सा ऐसे ही। मैं स्क्रबर वगैरह भी यूज नहीं करूँगी, देखिए मैं हाथ से इसको रफ कर दे रही हूँ। एक ही उंगली से ये बिल्कुल एकदम चमचमाने लगेगा, तो आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। जब भी आपको अपने पूजा के बर्तन क्लीन करने हों, चाहे कितने भी गंदे होंगे, वो एकदम क्लीन हो जाएंगे, ना तो उन पर कोई दाग धब्बा रहेगा, एकदम ऐसे हो जाएंगे जैसे सोने के हों, एकदम चमचमाने लगेंगे। तो काफ़ी अच्छा आइडिया है। अगर आपके घर में पुराने दिए बच चुके हैं तो आप उनको अच्छे से कूट करके रख लीजिए, और जब आपको ज़रूरत लगे तो आप पूजा के बर्तन, तांबे, पीतल के जो भी बर्तन हैं, आप उनको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने ये दिए जितने भी थे, घंटी वगैरह, वो सब यहाँ पर क्लीन कर ली है। चलिए मैं आपको इनको धोकर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा लोटा, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये देखिए, दिए भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने अच्छे से ये साफ सुथरे हो चुके हैं। ये देखिए, एकदम हमारा जहाँ पर भी सॉल्यूशन लगा था, इसमें ये जो सॉल्यूशन बनाया था हमने वो लगा था, वहीं से हमारा लोटा क्लीन है, बाकी एक काला है। तो बाद में मैं इसको क्लीन कर ली थी अच्छे से पूरे को ही, बस मैंने आपको दिखाने के लिए पूरा क्लीन नहीं किया था, ताकि आपको समझ में आ जाए कितना फर्क बैठा है। तो जब भी आप इस तरीके के बर्तन धोएं, उसे एक साफ सुथरे कॉटन के कपड़े से पोंछ के जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि जब ये हवा और पानी के संपर्क में आता है, पीतल या तांबा, तो इसमें दाग वगैरह पड़ जाते हैं, चाहे आपने कितने भी अच्छे से मांझ के ये रखे हों। तो इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं लगी रहनी चाहिए, वरना ये दोबारा से काले पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप पुराने दियों की मदद से अपने किचन के काम कर सकते हैं, मतलब क्लीनिंग के, और अपने पूजा के बर्तन भी चमका सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक दिया लिया है, इसको भी हम यूज करने वाले हैं। मिट्टी ली है, ये देखिए मैं मिट्टी ले लेती हूँ, थोड़ा सा मैं सरफ ले लेती हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब के इसको पानी में हम भिगोएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें डो जैसा इसका तैयार करना है। ये ध्यान रखना है कि ये पतला नहीं होना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये देखिए मैंने बना करके तैयार कर लिया है, और मैं इसको दिए में भर देती हूँ। आप बना के रख लीजिएगा इसको, एक दो दिए में बना के रख लीजिएगा। अगर आपको मतलब अच्छा लगे आइडिया, तो मेरे को तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा था आइडिया। मैंने सुखा लिया था, ये सुखाने के लिए आपने भी रख देना है। अब देखिए, जब भी हम जो तवा वगैरह मांजते हैं तो स्टील वाले स्क्रबर से मांजते हैं, जिससे कि इसमें स्क्रैचेज पड़ जाते हैं, और जब हम रोटी बनाते हैं तो हमारी रोटी उस पर चिपकती है। अगर आप दिए और मिट्टी से इसको क्लीन करेंगे तवे को, तो इस पर कभी भी रोटी नहीं चिपकेगी, या फिर कढ़ाई वगैरह जल जाती है, कुकर की तली वगैरह जल जाती है, तब भी आप इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। फिर मिलूंगी ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।